मैं आता हूँ, इनको बता, जो तेरे फॉलोअर्स है ना, जिनको तू बकवास करके, जो तेरे को, जो तू हरासमेंट कर रहा है देश में, वो बता दे कि आज के बाद में मैं कभी जिंदगी में बकवास नहीं करूंगा। हेलो हेलो, जितने भी मेरे भाई हैं, मैं एक्चुअली यहाँ पे अभी गुड़गांव में हूँ और मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि जिंदगी में मैंने जो भी बकवास की है सोशल मीडिया पे, प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दो। और मैं कभी भी ऐसी कुछ भी हरकत नहीं करूंगा, मैं कुछ भी ऐसी बकवास नहीं करूंगा। ये सर जो है उन्होंने मुझे समझा दिया है और मैं सर का, जो सर ने मुझे समझाया है तो मैं उसका पालन करूंगा। मैं वचन देता हूं कि मैं कभी भी जिंदगी में ऐसे कुछ भी हरकत नहीं करूंगा जिसके किसको दिल को ठेस पहुंचे। प्लीज मुझे माफ कर दो सर, मैं कभी भी जिंदगी में ऐसी हरकत नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे सर ने बताया, दीपक नांगल सर ने, और उन्होंने मुझे बताया मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। जो आप बकवास कर रहे हो ना, वो मेरे ख्याल से 10 आदमियों को अच्छी लग रही है और 1000 आदमियों को बुरी लग रही है, ठीक है। इसलिए आज आपको ये रिजल्ट देना पड़ा कि आप जो ये बकवास कर रहे हो ना, आज के बाद में अगर ये आपने बकवास करी ना, आप देश के किसी भी कोने में होंगे तो आपको थप्पड़ ही लगेंगे। जिन लोगों ने आपको आज तक छोड़ा, वो इसलिए छोड़ दिया होगा कि भाई वाहियात आदमी है, इसको छोड़ दो। बाकी जिंदगी में अगर ये गलती कर दी ना, कभी आप हनीमून मना रहे हो ना कि आप, मैं सोशल मीडिया पे हनीमून मनाऊ, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं आपको, है ना, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं 12 साल के, 15 साल के, 17 साल के। क्या मैं कभी नहीं ऐसे करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि सर ने मुझे कहा है मैं कभी भी ऐसे नहीं करूंगा। मैं आपको, आप लोगों को वचन, आज के बाद में ना सोशल मीडिया पे, ये भाई आप लोग जो भी इसके फॉलोअर्स हो, अगर एंटरटेन हो रहे हो कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट के लिए और बात बहुत सारी चीजें हैं, बट छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं। अभी ये थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले सोशल मीडिया पे सीपी में खड़ा होके ये कह रहा था कि मेरे मुंह में प्रोटीन है। तेरे मुंह में प्रोटीन नहीं, इसके मुंह में प्रोटीन बता रहा है आप कि ये बाथरूम करेगा और उसमें प्रोटीन है। ये कहता है कि मैं प्रोटीन पिलाऊंगा, यहाँ से फाड़ूंगा और पानी का। माफी चाहता हूँ, मैं कभी भी ऐसे नहीं करूंगा। मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मुझे नांगल सर ने बताया है और नांगल सर बहुत बहुत बड़े आदमी है। और नांगल सर ने, मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, बट तेरे जैसे घृणे आदमी के लिए ना मैं बहुत कुछ हूँ। मतलब तेरे इतने टुकड़े कर दूंगा आज के बाद में, कश्मीर जा, कन्याकुमारी जा, कहीं जा तू, आज के बाद में अगर तूने कोई भी गलत किसी को भी मैसेज दिया ना कि मैं राखी सावंत के साथ हनीमून मनाऊंगा, हनीमून मनाएगा सोशल मीडिया पे, हनीमून कभी नहीं, आज के बाद में नहीं, कभी नहीं करूंगा सर। तेरे फॉलोअर्स देख रहे हैं इसलिए दिखा रहा हूँ तेरे को, आज के बाद में अगर, हाँ याद रखियो इस बात को, याद रखियो, शराब सिगरेट नहीं पीता हूँ। मेलविन भाई को पूछ लो, मेलविन भाई मैं नहीं, तू शराब सिगरेट कभी नहीं पीता हूँ सर। पकड़ अपने फोन को, शराब सिगरेट नहीं पीता हूँ मैं, सच्ची नहीं पीता हूँ। उसके बावजूद तू इतनी, मैंने, क्योंकि मैंने मेरे मम्मी को वादा किया था, इनको पूछो सर, मैं कभी भी नहीं पीता हूँ, ना मैं शराब पीता हूँ ना सिगरेट पीता हूँ सर। तू अपनी मम्मी को भी सोशल मीडिया पे लेके आए, शरीफ औरत है वो, शी इज वेरी, नहीं मेरी मम्मी बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छी है। तो आप उसके साथ क्या कर रहे हो, आप उनको भी अपने सोशल मीडिया पे ला के वो जो आप बोलते हो वो करते हैं आप बोलते हो ना मेरी मम्मी मुझे प्यार, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन वो मुझे प्यार करती है इसीलिए वो करती। क्या है? प्यार हुआ साले, आप अपने हाथ नीचे आप अपनी मम्मी को सारी दुनिया को दिखा रहे हो, क्यों वजह बताओ,
नहीं नहीं मम्मी नहीं, मम्मी कभी नहीं ऐसे करेगी सर, सीरियसली मेरी मम्मी की तरफ से मैं आज के बाद नहीं नहीं मम्मी की माफी नहीं, मम्मी तो बहुत अच्छी है आपकी, उनकी जो शक्ल से पता चलता है वो अच्छी है, बट आप अपने ड्रामे के चक्कर में, आप अपने आप को सोशल मीडिया पे प्रमोट करने के चक्कर में अपनी मम्मी की भी इज्जत खराब कर रहे हो, आपकी तो इज्जत खराब है ही। कितना प्रोटीन आपके अंदर कि मैं शुशु बाथरूम करूंगा तो मेरा प्रोटीन पी लो, क्या वाहियात बातें यार, है कुछ समझ रही है? गलत है, मैं नहीं करूंगा सर। आज के बाद में नोट कर लो, नहीं सर मैं कभी नहीं करूंगा। सोशल मीडिया पे आओ अच्छे मैसेज देने के लिए, समझ गए? आज मैं जिंदगी में पहली बार सोशल मीडिया पे आया हूँ, आपको पता है? नहीं आप, मैं कभी देखा हूँ आपने सोशल मीडिया पे? मैं जिंदगी में पहली बार सोशल मीडिया पे आया हूँ, सिर्फ आपकी वजह से कि आप इतनी वाहियात बात कर रहे हो सोशल मीडिया पे। अगर आज के बाद में आपने सोशल मीडिया पे, मैं कभी भी ऐसे नहीं करूंगा कि नांगल सर को, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी ऐसे नहीं करूंगा, प्लीज मेरा ये वादा है सबके लिए, मैं कभी भी ऐसे नहीं करूंगा और मैं सबकी इज्जत करूंगा, मैं कभी ऐसे नहीं करूंगा। जो भाई जो इसको देख रहे हो ना, जो आप इसको पसंद करते हो, आप जो भी हो, आप इसके फैन हो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, ये अच्छी बात करे तो इसको सपोर्ट करो 1000%, ठीक है? जो भी अगर कोई इसकी सोशल मीडिया पे पूछ रहा है ना कि कौन है ये, मैं हूं दीपक नांदल गुड़गांव से, ठीक है? मुझे कोई मतलब नहीं है ये कौन है बैंड का लोड़ा, आई डोंट केयर, ठीक है? मैंने इसकी वीडियो देखी आज कि ये दिल्ली में है और ये बकवासबाजी कर रहा है, इसलिए इसको पीट रहा हूं। और आज के बाद में अगर ये कोई बकवासबाजी करेगा, ठीक है, तो इसके साथ ये किसी देश के किसी भी कोने में होगा तो इसके साथ सेम होगा, ये कहीं भी हो, ये देश के किसी भी कोने में होगा तो ये करूंगा। और जो इसके फॉलोअर्स जो इसको ये सपोर्ट कर रहे ना, उनकी भी गांड पे मारूंगा। अगर किसी को भ्रम हो ना तो हिस्ट्री ज्योग्राफी चेक कर लेना, अगर किसी को भ्रम हो कि कोई इसकी सपोर्ट करके, तो एड्रेस निकालने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? जो इसको पसंद करते हो इसको गाइड करो कि भाई अच्छी वीडियोस बनाए, हंसी हंसाए हमें, है ना? अगर हंसाएगा तो अच्छी चीज होगी। और ये बकवास करेगा कि मेरा ये पी लो वो पी लो, मैं राखी सावंत के साथ हनीमून मनाऊंगा, मैं लाइव हनीमून मनाऊंगा, मैं लाइव बच्चे पैदा करूंगा, तो ये हमारे समाज के लिए अच्छी चीज नहीं है। और जो हमारे समाज के लिए गलत चीज करेगा उसके साथ ही होना चाहिए। बाकी जो इसके सपोर्टर हैं वो भी इसी जैसे हैं दल्ले, जो इसके साथ सपोर्टर हैं, जो अभी इस मैसेज में कुछ भी लिख रहे होंगे वो दल्ले हैं। अगर मेरे बारे में कोई गलत लिख रहा है तो इतनी हिम्मत रखो कि मेरा डायरेक्ट दीपक नांदल 21 के नाम से मेरी आईडी है, मेरे को डायरेक्ट मैसेज करो, आपका एड्रेस निकाल के आपके घर में अपने आप आ जाऊंगा, ठीक है? और अगर ये कोई गलत आईडी गलत ये मिसगाइड कर रहा है ना, इसको गलत देखो मत, और जो ठीक मैसेज दे उसको इसको खूब अच्छे से देखो। बाकी ये सारी चीज अपने से बताएगा आज के बाद में ये कोई गलत। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मैं यही कहूंगा कि जिंदगी में मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि दीपक साहब ने मुझे समझा दिया है, और मैं कभी भी ऐसे कुछ भी हरकत नहीं करूंगा जिससे मेरी मतलब मैं कुछ गलत मैसेज दूं समाज को। बस मैं यही चाहता हूं कि दीपक सर, मैं सीरियसली कभी ऐसे नहीं करूंगा सर। इट्स गुड फॉर हेल्थ, इसकी हेल्थ के लिए ठीक रहेगा। आज के बाद में अगर बकवासबाजी करेगा तो कहीं भी होगा, देश के किसी भी कोने में होगा, कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, कहीं भी होगा, तू वहीं ढूंढ लूंगा, ठीक है? आ भाई।